साथ में यदि थोड़ी सी चटनी हो जाए तो बहुत भोजन का स्वाद बढ़ जाता है। क्योंकि प्रथम चक्र में हमारे बड़े भैया बाकी जी ने आप लोगों को बताया था कि प्रथम चक्र में कटबीस नहीं दिया जाता है, बिल्कुल सत्य बात है, प्रथम चक्र बहुत बड़ा हो जाता है इसलिए। और बाकी भैया ने एक बात और कही थी हमसे, क्या निराला जी आपने गुरु का परिचय नहीं दिया, ये नगर उरई है और इस नगर उरई के सभी लोग हमको जानते हैं, नंदकिशोर निराला अजय विजय का शिष्य है। दूसरी बात, जिस समय हमने कार्यक्रम शुरू किया था उस समय हमारे संजय भैया के एस म्यूजिक चैनल वाले भोजन कर रहे थे जी, चली मजबूरी थी, अगर मैं परिचय भी देता तो ये मैसेज नहीं जाता, सुनेगा और ये हारमोनियम स्पष्ट करता है, सुनेगा इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। आगे जाके देखो लिखा पड़ी सब है। कहना है कौन कितना भारी है, कितना वजनदार है कौन, कौन कितना भारी, बाकी भैया आपसे नहीं कहना है, क्योंकि मैं एक शेर पढ़ रहा हूँ जी, आपकी तो 80 किलो वजन होगी, कौन कितना भारी है ये हमारी नहीं तराजू की जिम्मेदारी है, कौन कितना भारी है ये तराजू की जिम्मेदारी है, वो हमारी रात भर की जितनी कमाई इनकी तो इतनी उधारी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं हमारी जितनी उधारी ना, हमारी रात भर की जितनी कमाई है आपकी तो इतनी उधारी है, बहुत उधारी है, 400-500 रुपया। चलिए चल रहा हूं आदरणीय भले भैया और हमारे दद्दू जी कहां चले गए, आराम कर रहे हैं। गीत कहने लगा किसी से मैं मुझको किसी से मैं मुझको इशारा मिला है, यो क्या बात है, कि डूबे मुझे से किनारा मिला है, यो तो बाकी भी है कहना है क्या, ये नहीं मालूम का हमारा नहीं ना, तुम्हारी नजर पर ही हमारी नजर, जिधर देखता हूँ तो ही आपकी नजर है, हो बिहारी लाल तेरे इश्क का मुझ पे हुआ ये हशर, अभी मैंने आपको जो कथा सुनाई उसी से संबंधित कथा सुना रहा हूं, सुनिएगा। एक बार भाई हमारी माता है, मैंने भाई बंधु सभी लोग कथा को बड़ी गौर से सुनिएगा, क्योंकि कीर्तन है शाब्दिक आनंद, यदि इसके गद्य शैली को नहीं समझा तो कीर्तन समझ पीर शरणार्थी महारथी तीर आज शरणार्थी है, ऐसे गाने भी नहीं होंगे तुम्हारे पास, रथी सारथी का वो
भारत के रथों पर अजब सारथी है, रथी सारथी का वो विद्यार्थी है, महारथी वीर आज शरणार्थी है, भारत के रथों का अजब सारथी। बड़े भैया बाकी को सुनते हैं जी, वो तो वैसे ही वाकई। हाँ वाकई बिहारी जी, चले आओ चले आओ गाय चले आओ, आइए हृदय से सम्मान बड़े भैया का, और हमारे जो श्रद्धालु भक्त बैठे हैं हमारे बड़े भैया बाके बहुत अच्छे स्वयं में कवि हैं, देखिए इन लाइनों का बहुत अच्छा आपको जवाब सुनने को मिलेगा जी, क्योंकि हमारे पास तो जो भी टूटा फूटा है और यह सुन रहे हैं और हमारी माताएं बहनें भी सुन रही हैं, और सबसे बड़ी नजर के एस म्यूजिक वालों की है जो कि कुछ दिनों बाद पूरे भारत में ये लाइनें सुनाई देंगे आपको। आइएगा स्वागत है सम्मान है बड़े भैया वहां के। हाँ मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। मंदिर और मस्जिद में बट रहा है आदमी, पड़ रही तबियत हवा में घट रहा है आदमी, मंदिर और मस्जिद में बट रहा है आदमी, बोलियां लगने लगी उसूलों की यहाँ, क्योंकि हर गली में आदमी से कट रहा है ये। बहुत बढ़िया, नीचे वाले बहुत बोलते हैं, उनसे कहना है कि चंद मुखड़ों पे जवानी आज देखी जा रही, चंद टुकड़ों पे जवानी आज बेची जा रही, कुछ जवानी बोतलों में पैक होके रह गई, कुछ जवानी बासना में कैद होके रह गई, अब तो बुझते दीपक सी टिमटिमाती है जवानी और होश में आने से पहले डूब जाती है। गीत पढ़ा गया आपको, सबसे बड़ा सुंदर कटबीज पढ़ा गया, प्रयास करूंगा। और ये दिल चाहता है Yeah.
लाइन पड़ी आपको लगा रहा था तो रथी सारथी महारथी इसमें रथी शब्द आता जाए क्योंकि आपका घर का लिखा गाना है। और क्या? अगर आप जवाब में लेकर के आते तो मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन आपने घर के लिखे गाने में ये असंतुलन पैदा कर दिया। अब आप जो कहते हैं कि हमारे राइटर ने जो जवाब दिया बहुत अच्छा, राइटर ने जवाब दिया, अब जब ये YouTube में पड़ जाए तो घर बैठ करके अपने गाने का जवाब सुनना है, क्या गाने का जवाब है, तो गाना क्या कह रहा है, कीर्तन आप भी इसको सुनेंगे आपको मालूम चल जाएगा कि कहां से जवाब आपके राइटर ने लिखा है, क्या लिखा है। लेकिन जवाब सुनिएगा, सुनिए अर्जुन और कर्ण का रथ आमने सामने है, अर्जुन और कर्ण का रथ आमने सामने है, तो देखिए वीर के रथ के ऊपर का जवाब रहा।